अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। टुडे वी विल डिस्कस उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867, जो कि बनारस में स्टार्ट हुई। लास्ट टाइम हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम उर्दू हिंदी तनाज़ा, जिसे कहते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। ये कहाँ पे हुआ, ये क्यों हुआ, इसके मुहरकात क्या थे, और ये कैसे कंट्रोल हुआ, और जो है ना, इसको काउंटर करने के लिए जो मुस्लिम थे उन्होंने उर्दू को कैसे फ़रोग दिया, और इस उर्दू हिंदी तनाज़ा ने जो टू नेशन थ्योरी या पाकिस्तान मूवमेंट थी या फ्रीडम मूवमेंट थी, इसकी बुनियाद कैसे रखी। लेट्स डिस्कस। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो लास्ट डेज ऑफ मुस्लिम रूल जब 16 सेंचुरी थी, उर्दू एक जो है ना मोस्ट कॉमन लैंग्वेज के तौर पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एक इमर्ज हुई। उस वक्त इसे एक जो है ना आप समझ लें कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया गया, ठीक है। जितनी भी उस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज थी उनमें ये रिकॉर्ड था कि उर्दू ही उनकी रिटन लैंग्वेज होगी। बट 1867 में कुछ प्रोमिनेंट हिंदू थे जिन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की बनारस में कि वो जो उर्दू के बजाय हिंदी को रिप्लेस करना चाहते हैं, और पर्शियन स्क्रिप्ट जो है ना, ठीक है, विद देवानगरी स्क्रिप्ट, उनको पर्शियन स्क्रिप्ट को देवानगरी जो है ना स्क्रिप्ट में जो है ना हम चेंज करना चाहते हैं एज दी कोर्ट लैंग्वेज जो है ना उसकी, जो नॉर्दर्न प्रोविंस की थी उधर। अच्छा, काजेज़ क्या क्या थे इसकी? सबसे पहली रीज़न तो ये है कि उर्दू को अपोज क्यों किया गया, बिकॉज दैट दी लैंग्वेज वाज रिटन इन पर्शियन स्क्रिप्ट विच वाज सिमिलर टू दी अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। अरेबिक बेसिकली जो कुरान की लैंग्वेज है और होली बुक फॉर मुस्लिम, तो इसमें मुसलमानों की जो है ना एक डोमिनेंसी शो होती थी। दूसरी बात यह है कि मूवमेंट बेसिकली क्विकली ग्रो इसलिए हुई और विद इन अ फ्यू मंथ हुई थ्रू आउट द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थन वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। हेड क्वार्टर इस मूवमेंट का जो है ना बेसिकली अलाहाबाद था। अलाहाबाद वैसे भी आप आगे देखेंगे जब सर सैयद अहमद ख़ान को स्टडी करेंगे। मुस्लिम रिएक्शन क्या था? सिचुएशन जब ज़्यादा ख़राब हुई तो मुस्लिम बेसिकली वो बाहर निकले और अपने जो है ना उर्दू लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्शन करने लगे। इसके बाद हिंदूज ने अपोजिशन की उर्दू लैंग्वेज के बारे में और क्लियर कट बताया कि मुस्लिम ऑफ द रीजन दैट हिंदू वर नॉट रेडी टू टॉलरेट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम। क्लियर कट कह दिया था कि जो हिंदू हैं वो किसी सूरत भी मुसलमानों के कल्चर या उनकी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ेक्ट्स क्या थे? उर्दू हिंदी जो तनाज़ा था उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हुए जो मतलब सर सैयद अहमद ख़ान, जो अगर पहले कहा जाता है कि परो ब्रिटिश थे, इससे बड़ा उनको धचका लगा। सारी असबाब बगावत हिंद, ठीक है, या उनकी ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी, वो उनकी सारे की सारे जो है ना ड्रीम्स जो एक था वो सारा का सारा वो एक रात ही ख़त्म हो गया। तो इस इवेंट से पहले बेसिकली एक वो बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े हामियों में से थे, और उनकी ओपिनियन थी कि टू नेशन आर लाइक टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइट इंडिया, ठीक है। बट दिस मूवमेंट कम्प्लीटली अल्टर्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, सारा उसका ख्वाब जो है ना चिकना चूर कर दिया। उसने बाद में टू नेशन थ्योरी बेसिकली प्रिडिक्ट की, जिसमें क्लियरली तौर पे बताया गया बेसिकली टू ग्रुप के बारे में कि हिंदू और मुसलमानों में क्या क्या डिफरेंस है, ये कभी एक नहीं रह सकते। अच्छा, लेट्स डिस्कस। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर इग्निटिंग पोलिटिकल मूवमेंट पुलिस गवर्नमेंट, के जो लैंग्वेज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी पोलिटिकल मूवमेंट को जो है ना स्टार्ट करने के लिए। तो इस पर कमेंट करना है आप लोगों ने, और इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।